इसे इसे और इसे ले चलो जल्दी चलो जल्दी चलो हमें छोड़ छोड़ दो मुझे ले जाओ इसे चल दे चल दे अच्छी तरह से काम करेगा। मुझे माफ कर दीजिए सर, आपके कहने के मुताबिक हमने डोज को डबल कर दिया, लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे माफ कर दीजिए सर। अबे गधे, अगर हमें ये जंग जीतनी है तो हमें शक्तिशाली सिपाहियों की फौज बनानी होगी, समझ गए तुम? जी सर। जेंटलमैन, थंडरबोल्ट सर्कस में आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में हमारा पहला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये शो करते हुए, और मुझे आज भी याद है याउली और जुन का वो बहुत ही बेहतरीन और कमाल का कार्यक्रम। और अब शुरू होने जा रहा है इस शो का सबसे रोमांचक और कमाल का हिस्सा। आप उसे जानते हैं किंग ऑफ फ्लाइंग टाइगर के नाम से। वो यहाँ है और वो आप सभी को दिखाएगा दिल दहलाने वाले छुरों का कमाल। तो दोस्तों, बिना अपनी पल के झपकाए, बिना अपनी नजरें हटाए, स्वागत कीजिए इस कमाल के कलाकार का, यानी किंग ऑफ फ्लाइंग टाइगर का। जी हाँ, मेरा, मैं हूँ ट्विन डैगर सनी।
सर, सर, वो हमारे शो को खराब कर रहा है। जी हाँ, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं ही हूँ किंग ऑफ फ्लाइंग टाइगर और मेरे पिता हैं मशहूर फ्लाइंग टाइगर ली। मैं ही हूँ वो कभी ना हारने वाला खतरनाक पैदरों वाला। सनी, तो क्या सब लोग तैयार हैं आज के शो के लिए? ठीक है, अब इसे ठीक से पकड़ो, बिल्कुल डरना मत, देखना क्या कमाल होगा। ऐसे सीधा रखो, थोड़ा अंदर, सही है, देखो बिल्कुल शांत रहना, घबराओ मत, जाने दो, सीधी रहो, ना तू डरेगा और ना ही रुकेगा सनी। मुझे मारने क्यों नहीं दिया? एक मौका दे दो। जाओ यहां से। हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कोई यहां मुझे चुनौती देने आया है, वो भी सबके सामने सरेआम। चलो ठीक है, अब मैडम जरा हटिएगा आप। हाँ, तो देखते हैं कि तुम में कितना हुनर है। चलो दिखाओ तुम्हारी काबिलियत, अभी पता चल जाएगा कि क्या जानते हो। काफी जोर से बांध दिया, खैर दिखाओ कमाल। बाजू हटो, बाजू हटो, बाजू हटो, हमें जाने दो, हटो हटो, हमें जाने दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। चैन, ये दोनों खूबसूरत हसीनाएं तुमसे दोस्ती करना चाहती हैं। अंकल ताक, आप उस पागल सनी को अपने साथ क्यों रखते हैं? वैसे भी जोकरों को कोई पसंद नहीं करता, और वैसे भी उसके पिता को मर के काफी साल हो गए। हमें सनी जैसे हजारों मिल जाएंगे। मुझे माफ कर दो, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। एक बात सुन लो, अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चैन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बाहर जाओ और जिंदगी के मजे लूटो। हाँ, अरे हटो हटो, इन्हें जाने दो, जाने दो, जाने दो। मुझे छोड़ दीजिए अंकल, मुझे जाने दीजिए, बहुत देर हो गई है, मुझे आपके लिए रात का खाना भी बनाना है। अरे क्या खड़े हो, जाने दो ना मुझे, छोड़ो, हाथ खोलो। अगर तुम इसी तरह चैन के काम में दखल अंदाजी करते रहे जैसे तुमने आज शो में किया, तो किसी दिन उसके हाथों मारे जाओगे। मेरी बात मानो, वापस हांगकांग चले जाओ। लो, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है फ्लाइंग डैगर बनना। मुझे बस एक मौका चाहिए। फ्लाइंग डैगर बनना है? क्या यही मकसद है तुम्हारा? मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। मुझसे ऐसा तुम्हें और कोई नहीं जानता। तुम इस खेल के लिए नहीं बने हो सनी, तुम्हें इस सच्चाई को मानना ही होगा। तुम हमेशा कोई ना कोई गलती करते हो, फिर भी तुम्हें कोई सुधार नहीं आया। अगर मैंने तुम्हारे माता पिता को वचन नहीं दिया होता ना तुम्हारी देखभाल करने का, तो कब का तुम्हें लात मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया होता। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। बस बहुत हुआ, अब और नहीं, बस एक और मौका। कहा ना नहीं, मैं कर सकता हूं। नहीं, तुम नहीं कर सकते। हाँ मैं कर सकता हूं। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम फ्लाइंग डैगर कभी नहीं बन सकते। तो जाओ यहां से और दोबारा यहां कभी मत आना। अंकल,
अपने दिल से महसूस करो, अपनी आंखों से निशाना लगाओ, अपने अंदर की शक्ति को केंद्रित करो, हवाओं से दोस्ती करो। ये हवा तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगी। अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, तुम ये कर सकते हो सनी। क्या सच में मुझ में फ्लाइंग डैगर बनने का हुनर नहीं है? अबे क्या कर रहे? उस पहाड़ पर कुछ लोग सोने की तलाश कर रहे हैं। तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। चलो दिखाता हूँ। चलो देखते हैं। चलो आ जाओ। चलो रहे हो। मैंने उन्हें होटल में बात करते हुए सुना था। वो बोल रहे थे कि उनके पास खजाने का नक्शा भी है, और वो लोग ये भी बोल रहे थे कि उस गुफा में सोने से भरे बक्से भी हैं, जिन्हें जापानियों ने युद्ध के वक्त दफना दिया था। हम अमीर बनने वाले हैं। हनी, अगर हमें सच में सोना मिल गया तो हमें फिर कभी सर्कस में काम नहीं करना पड़ेगा ना? हाँ जानेमन, मैं तुम्हारे लिए गाड़ियों की लाइनें लगा दूंगा। सच कह रहा हूँ। मैं तभी विश्वास करूंगी जब मैं सोने को अपनी आंखों से देखूंगी। थोड़ा सब्र करो, मुझसे तो इंतजार नहीं होता। अरे बाप रे, छी, कितनी शर्म की बात है, इतने छोटे से टीले से गिर गया। वो वाला काफी बड़ा है, उसी के पार चलता हूँ। अरे चैन मेरे भाई, तुम सब यहाँ हो? क्या बात है, यहाँ क्या कैंप फायर चल रहा है? हाँ, और ये लोग इतनी जल्दी लुढ़क गए? मैं ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था और अचानक से थोड़ा चक्कर आया और मैं फिसल गया। मैंने कुछ भी नहीं देखा। हे, डरो मत सनी, शायद हमारे नसीब में मिलना लिखा था। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, हम खजाने को बांट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है ना? अब हंस भी दो, चलो। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गुफा, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। कहीं यहाँ भूत तो नहीं है? भूत, ये देखो भूत। ये कोई भूत नहीं है, बस किसी इंसान का कंकाल है। इंसान का? क्या इंसान का कंकाल इतना बड़ा होता है? और ये देखो खोपड़ी कितनी बड़ी है।
अरे कहीं ये अंतरिक्ष से आया हुआ कोई प्राणी तो नहीं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मर चुका है। तुम आगे जाकर देखो कि वहां क्या है, जाओ। क्या उस तरफ कोई रास्ता है? हाँ कुछ दिख तो रहा है। अरे बाप रे, ये हम लोग कहाँ आ गए? चारों तरफ हड्डियां ही बिखरी हुई है। चलो यहाँ से। तो चुप नहीं रह सकता? अगर ऐसे ही बकबक करता रहा ना तो तेरी भी हड्डियां यहीं पर होंगी। बेवकूफ कहीं। बक्से के अंदर क्या हो सकता है? पता नहीं, चलो देखते हैं। ए, चल चल खोल इसे। अबे खोल ना। मेरे हाथ में मोच आ गई, हिल नहीं रहा है, क्या करूं? केन, तुम तो बहुत ताकतवर हो ना, तुम क्यों नहीं खोलते? अबे चल खोल इसे, नहीं तो इतना मारूंगा ना। अरे ये क्या हुआ? मेरा हाथ ठीक हो गया ना? मेरा हाथ ठीक हो गया ना? तेरा हाथ ठीक हो गया? चल खोल इसे। अबे खोल ना। कैसे खोलूं? घुमाता हूं। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। ये देखो सोना है यहाँ। सुना है। हम अमीर हो जाएंगे, जाने वाला अमीर हो जाएंगे। अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। सुनो केन, सनी को ऊपर लेके जाओ और देखो कोई आ तो नहीं रहा। चल बाहर नजर रखते हैं। यहाँ इस जगह कौन आएगा? असली है ना? अरे चलना। देखो सुनो, बाकी के भी बक्से खोल लो। ठीक है। केन, तुम जानते हो ना यहाँ कौन आ सकता है? इतना खतरनाक रास्ता है ये। चलो। Ha ha ha!
जल्दी करो, जब हम हांगकांग पहुंच जाएंगे तो ये सारी चीजें बेच देंगे और फिर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। क्या बात बोलिए भाई। क्या हुआ तुम्हें? तुमने निकलने से पहले नाव को अच्छी तरह से चेक नहीं किया था? अरे चेक तो किया था, पता नहीं कहाँ से चला आया भाई। इसे देखकर तो लगता है ये बीमार है। अगर इसे कोई खतरनाक बीमारी हुई तो ये हम सबको बीमार कर देगा। तो अब क्या करें भाई? अब क्या करें का मतलब क्या है? चलो इसे उठा के समंदर में फेंक देते हैं। हाँ ठीक है, चलो उठाओ। फेंको। बेटे, जिंदगी एक फ्लाइंग डैगर की तरह होती है, तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए। तुम्हें उसी लक्ष्य की ओर निशाना लगाना होगा। तुम्हें बहादुर बनना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। जाने क्या हो गया है, कुछ तो मिल जाए खाने को। अरे वाह, सूखी मछली, ताजी मछली, वाह 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 वाह, मजेदार है ये भी। ए, कौन है वहाँ? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे यहाँ कोई चोर घुसाया है, जल्दी आओ गांव वालों, एक मोटे से चोर घुसाया है, सूखी मच्छी चुरा के भाग रहा है। नहीं, पीछे करो उसका। ए रुक, ए रुक, कोई भाग रहा है। ए साले चोर, चोर, पकड़ उसे, उस तरफ से, उस तरफ से जाओ जल्दी। मुझे को घेरो, घेरो वहाँ से। दोबारा इस जगह में नजर आए तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। रुको रुको, रुक जाओ। Huh?
रुको रुको, मेरी मदद करो, रुको रुको। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी के टायर में हवा कम है, यहाँ कोई आसपास गैस स्टेशन है क्या? तुम गाड़ी में आके बैठ जाओ। तुमसे मछली की बदबू आ रही है। माफी चाहता हूँ। क्या तुम्हें किसी ने लूटा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम समंदर में नहा रहे थे क्या? इतने भीग कैसे गए? वो मैं स्विमिंग करने चला गया था। हाँ। स्विमिंग? पूरे कपड़े पहनकर? अच्छा एक बात का जवाब दो, तुम्हारे पास आईडी कार्ड है ना? वरना मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। मेरे पास आईडी कार्ड है, मेरे पास, मैं लीफे हूँ और दुनिया वाले मुझे फ्लाइंग डैगर सनी के नाम से जानते हैं। नाम काफी दिलचस्प है। जी हाँ, मैं थंडरबोल्ट सर्कस में काम करता हूँ, कमाल की चुरेबाजी करता हूँ। तुम्हें डॉक्टर के पास चलना है? नहीं, पर मेरी समझ नहीं आ रहा मैं इतना मोटा कैसे हो गया। आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगी क्या? वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? एंजल। कितना कितना प्यारा नाम है, मैंने कई बार आपको टीवी पे देखा है। मैं तो आपका फैन हूँ, न्यूज पे आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। हाँ बस यही यही मेरा घर है। एंजेला, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कुकीज खा गया, लेकिन मैं असल में इतना कोई बात नहीं, कुकीज तो खाने के लिए ही होते हैं ना। शुक्रिया, गुड नाइट। बाय बाय बाय। अंकल टॉक, अंकल टॉक। कहाँ चले गए सब के सब? नींद आ रही है, नींद आ रही है। ये कौन है?
नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूँ एंजल CSS न्यूज से। कल आधी रात को करीब 2:30 बजे रुपयों से भरे वैन को वैंगटाई रोड पर चोरों ने लूट लिया। वैन में गार्ड होने के बावजूद लुटेरे 25 करोड़ रुपए लेकर 9:50 हो गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं। उन्होंने पुलिस पर भी हमला किया। पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सब के सब बच निकले। उसी शाम को एक ज्वेलरी शॉप को भी लुटेरों ने लूट लिया। पुलिस के मुताबिक लुटेरों ने अंदर फायरिंग की और वहां का सिक्योरिटी गार्ड बुरी तरह घायल हुआ। सूत्रों के अनुसार 150 करोड़ रुपए के गहने चोरी हो गए हैं। गवाहों का कहना है कि चोरों में 3 पुरुष और 1 महिला थी और सबके चेहरे तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी ये काम करके बड़ी लड़ाई से निकल जाती। क्या उनके पास कोई हथियार था? नहीं सर। बिना हथियार के ये कैसे तोड़ दिया? लेकिन उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि कांच चकनाचूर हो गया। अरे बाप रे। हेलो सर। ऑफिसर, ये है प्रोफेसर यू, बायोकेमिकल रिसर्च सेंटर की तरफ से, और उनके पीछे जो 2 लोग खड़े हैं वो विशेषज्ञ हैं। उनके नाम है सेनहो और चिनवा। अब इस इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। सेनहो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगर तुमने ये केस सॉल्व कर दिया तो मैं तुम्हें दुगनी रकम दिलवाऊंगा। सच? तुम्हें क्या लगता है, इस बार ये ज्यादा ताकतवर है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हे सेनो, उस अंगूठी को तो देखो, काफी बड़ी है और महंगी भी होगी। तो देर किस बात की, उठा लो इस अंगूठी को, कोई नहीं देख रहा है, बेफिक्री से उठा लो। 1 महीने में हमारी शादी होने वाली है, तुम मुझसे जेल में शादी करोगे? फिक्र मत करो, मैं उन्हें 20 दिन में ही पकड़ लूंगा, फिर हम शादी कर लेंगे। हेलो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम यहाँ आ रही हो? मेरा असाइनमेंट अगले हफ्ते क्यों रखा गया है, कुछ बताओगे? सुनो, मिस्टर लैम ने हमारे चैनल पर अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। एंजल, उन्होंने हमसे कहा है कि तुम्हारे इंटरव्यू से उनकी बड़ी बदनामी हुई है। उनका वो इंटरव्यू 2 साल पुराना है। हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम आराम से मेरी बात सुनो। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ा। इन अमीरों से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, सही कह रहा हूं ना? के मुझसे झूठ मत बोलो, सब सच सच बताओ। अच्छा ठीक है, सुनो, कंपनी को कुछ नए चेहरों की तलाश है, तो तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है? नए चेहरे? यो यो है ना? हाँ, पर मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, तुम जानती हो ये तो बिजनेस है। जब तुम्हें प्रमोशन मिला था तो तुमने भी तो किसी को हटाया था। कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट जानती है, ठीक है ना? इसमें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम ये मत भूलो कि उसे यहां आए में सिर्फ 2 महीने हुए हैं। पता है मुझे, वो तो बिल्कुल नहीं है एंजल, उसे तो अभी ढंग से बात करनी भी नहीं आती। मगर एंजल, एक बात तो सच है, तुम बुरा मत मानना, वो तुमसे ज्यादा जवान और तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, लोग उसे पसंद करते हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें उसके साथ रात गुजारना भी अच्छा लगता है? अगर ये सच होता भी तो क्या फर्क पड़ता। एंजल, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चली जाओ।
इस तरह लोग तुम्हें कम से कम सीएसएस की खूबसूरत न्यूज एंकर के नाम से तो याद रखेंगे। और एक बात बता दूं, ये प्यार भी ना बड़ी ही कमीनी चीज होती है। तो अब तुम मेरी बात सुनो, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो और मैं यहां से जा रही हूं। अरे अरे, तुम यहां पर क्यों खड़ी हो? तुमने आने से पहले एक बार फोन कर दिया होता, मैं तुम्हें लेने आता। तुम बहुत पछताओगे केके। मैं ठीक हो गया अंकल। तक अंकल तक हेलो, मैं सनी बोल रहा हूं। मैं हांगकांग से वापस आ गया हूं। कहां हैं सब लोग? बेवकूफ कहीं के, ये सब क्या हो रहा है? तुम सबको पुलिस ढूंढ रही है। वो सब चीजें उठा कर ले गए, यहां तक कि मेरे कपड़े भी नहीं छोड़े उन्होंने। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब चैन और उसके दोस्तों की हरकत है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उनके साथ मत रहा करो। अंकल ताक, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे शरीर में कुछ हो रहा है, मैं पतला हो गया हूँ। तुम पहले से ही दुबले पतले थे। हाँ, लेकिन कल रात मैं मोटा हो गया था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी नजर बहुत तेज हो गई है, मुझे बिल्कुल साफ साफ एक मच्छर उड़ते हुए दिख रहा है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अब तुम ही फैसला करो कि तुम्हें कहाँ जाना है, हॉस्पिटल या फिर पुलिस स्टेशन। पुलिस तो मुझे ढूंढ ही लेगी। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो पुलिस को बुलाकर उन्हें सच सच क्यों नहीं बता देते? ठीक है, बाय बाय। तेरी तो मुझे काटने की कोशिश। यहाँ से निकलो, ये जगह सुरक्षित नहीं है, जाओ यहाँ से। ए तुम, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। हाँ, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से। सुनिए सुनिए, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। मेरे पास वक्त नहीं है, हमें उस गुंडे को किसी भी हाल में पकड़ना है, चल से चल। अगर और इंतजार करवाओगे तो मैं सबको मार डालूंगा। साफ दिख रहा है, एक गुंडे ने एक पुलिस वाली को बंदी बनाया है और दो पुलिस वाले जमीन पर पड़े हुए हैं। क्या बक रहे हो तुम? तुम्हें ये सब कैसे दिखाई दे रहा है? मेरी नजर चील से तेज है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। देखो देखो, मैं इसे गोली मार दूंगा, सच कह रहा हूँ। मेरा रास्ता छोड़ दो, ये आखिरी चेतावनी है, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। Hey, कहाँ जा रहे हो? एंजल, वहाँ कुछ गुंडों ने पुलिस वाले को बंदी बना के रखा है। आप रुक जाइए। नहीं, आप अंदर जा सकते। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात सुनिए। चल जाइए। एंजल, हाय। मुझे पहचाना? अरे मैं हूँ सनी। कौन सनी? अरे वही ट्विन डैगर सनी। अरे हम कल रात को ही तो मिले थे। सनी, मैं बहुत मोटा था तब।
मेरी मांगे पूरी करो वरना ये नहीं बचेगी। दिखाई नहीं दे रहा, मैं काम कर रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। सुनो, घबराने की कोई बात नहीं है, उसे बचा लेंगे, वो गले की पकड़ मजबूत कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? उस गुंडे ने बंदूक को टेप से उसके गले पे बांध रखा है और उसकी खिंचन से उसका दम घुट रहा है, सांसें धीमी हो रही हैं। गोली किसने चलाई? सर, हम में से किसी ने नहीं चलाई। तो क्या तुमने मुझे पहचान लिया? अब तो तुम्हें पूरी दुनिया पहचानेगी। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम मुझे अपना इंटरव्यू दोगे? हाँ। तुम्हारे मामले में ये एक असाधारण जेनेटिक म्यूटेशन है। दूसरे इंसानों के मुकाबले तुम्हारा सेल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और इतना ही नहीं, ये अक्सर बदलते रहते हैं। अपनी बकवास बंद करो, मुझे सिर्फ ये जानना है कि मैं अपने असली रूप में कब आऊंगा। सुनो चैन, तुमने कहा था कि तुम और तुम्हारे साथियों का यह हाल जहरीले रसायन की वजह से हुआ था। मुझे उसका पता लगाना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। सच कहूं तो मेरे पास तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो, मेरा एक परिवार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे है। चैन, जल्दी मेरे साथ चलो। आज सुबह एक मॉल में एक गुंडे ने एक लेडी पुलिस ऑफिसर को बंदी बना रखा था। लेडी पुलिस ऑफिसर को उपचार के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है, मगर हमारे कैमरा ने उस व्यक्ति की तस्वीर कैद कर ली है जिसने बैम्बू स्टिक से उस ऑफिसर की जान बचाई। वह भी जिंदा है, उसका नाम अभी तक पता नहीं चला है। इधर आ साले, इधर आ, देख देख उसे। वो हमारी जैसा क्यों नहीं है? वो हमारी तरह तकलीफ में क्यों नहीं है? सबकी शारीरिक बनावट अलग होती है, इसलिए उनका शरीर कुछ अलग ही प्रतिक्रिया करता है। तूने मेरे भाई को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है एंजल चैंग। आज की दुनिया में जहां चोरी और खून खराबा आम बात है, वहीं एक सच्चे हीरो ने आगे बढ़कर इसका मुकाबला किया है। सिर्फ एक बैम्बू स्टिक की मदद से आज उसने एक लेडी पुलिस ऑफिसर को बचाया और चोरों को भी पकड़वाया। चलिए उनसे मिलते हैं। आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम लीफे है और मुझे सनी भी बुलाते हैं। ट्विन डैगर सनी। ट्विन डैगर सनी, जब ये नाम मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा था कि तुम्हें कमाल की काबिलियत है। वैसे तुम्हारा घर भी अजीब लग रहा है, क्या तुम किसी तरह के मार्शल आर्ट से संबंध रखते हो? अरे नहीं नहीं, मेरा मार्शल आर्ट से कोई संबंध नहीं। ये जगह तो हम सर्कस की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं इस सर्कस के साथ दुनिया भर में सफर करता हूँ और अपना बेहतरीन खेल दिखाता हूँ। तुम्हारे फ्लाइंग डैगर हुनर के बारे में बताओ। मेरे पिताजी ने यह हुनर मुझे सिखाया। वो एक बहुत ही महान छुरेबाज थे, उनका निशाना बिल्कुल अचूक था। अब तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिताजी हमेशा कहा करते थे, जिंदगी एक उड़ते हुए छुरे की तरह है, वो तभी निशाने पर लगेगी जब पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पे होगा।
क्या तुम हमारे दर्शकों को अपनी कला दिखा सकते हो? वैसे ही दिखाना जैसे हर रोज तुम स्टेज पर दिखाते हो। हाँ, अभी अभी दिखाता हूँ मैं सबको। मुझे भी तुम्हारा हुनर देखना है। चैन, एंजल, हेलो एंजल, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। सनी, तुम्हें कैसे कुछ नहीं हुआ? देखो, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तुम भी अच्छे हो जाओगे। हाँ, तुमने कुछ खाया था क्या? हाँ, मैंने सूखी मच्छी और कुछ कुकीज खाए थे। मैं बहुत मोटा हो गया था, लेकिन जब सुबह उठा तो पतला ही था। मैंने उल्टी की और मैं ठीक हो गया। बस मुझे और कुछ नहीं पता। सुनो, अब अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ घर चलो। नहीं, मैं नहीं आने वाला। मेरे साथ चलो, भागो। रात को मेरा भाई मेरे सपने में आया और वो तड़प रहा था। उसका पैर फिसल गया था और इसलिए उसकी मौत हो गई। इसमें मेरी मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने खुद तुम्हें उसे मारते हुए देखा है। मुझे लगा तकदीर हमें कभी धोखा नहीं देगी, मगर मैं गलत था। उसने हम सबको शक्ति दी, मगर उसने हमें खलनायक बनाया और तुम्हें हीरो बनाया। क्या तुमने देखा? वो कितनी जल्दी बदल रहे हैं। शायद वो दूसरे चरण में है। तो क्या हुआ? छोड़ो सब कुछ, अब हम सब ठीक होंगे। तुम हमें ठीक करोगे। तुम्हारा खून हम सबको ठीक कर देगा। एक मिनट रुको, रुको, रुको एक मिनट। मेरा खून मत करो, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। बको। एक खास मिश्रण है ये। एक कप आटा लो और उसमें एक कप शक्कर मिलाओ और उसमें फिर दही डाल दो और दो अंडे भी तोड़कर डाल दो और उसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें चाट मसाला डालना। और मुझे बचाओ।
होने के बावजूद तुम में अभी ताकत बाकी है। छोटी हाथ पे वार करो। सुनो चैन, चले जाओ यहां से। झुक जाओ। सैनो, मुझे नहीं लगता सनी उनके साथ काम करता है। ये बुरा नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है, ये भी तो एक म्यूटेंट है। हमें बाकी म्यूटेंट्स को भी ढूंढना होगा। ये शॉट स्लो मोशन में दिखाना अब ठीक है। हाँ, ये वाला। हाँ, ये जो ऊपर जा रहा, हाथ ऊपर कर रहा है। हाँ, यहीं पे रुक दो। ठीक है। इस वक्त हम आपको कोई सूचना नहीं दे सकते। हम सभी चीजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। जो फुटेज मिला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ऑफिसर? मैंने आपसे कहा ना कि मैं अभी आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। सर, ये देखिए तो जरा। सर, लोग जानना चाहते हैं। सर, ये तुम्हें कहां से मिला? हमें जाने दीजिए।
सनी का केस बहुत ही अजीब है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। उसके खून में भारी मात्रा में बायोकेमिकल जहर है, मगर जहर ने उसकी कोशिकाओं पर कोई असर नहीं डाला है, बल्कि एक आम आदमी के मुकाबले वो रसायन उसके अंदर की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। मुझे लगता है उसकी एंटीबॉडीज जहर को नष्ट कर देती हैं। मैंने सनी की रिपोर्ट और हेजुन की रिपोर्ट को मैच करके देखा है और मैंने ये देखा कि सनी के शरीर में उसकी कोशिकाएं, मसल्स, टिश्यूज सब ठीक है और कोई म्यूटेशन भी नहीं है। दूसरे शब्दों में सनी एक अनोखा इंसान है, मगर हाँ वो अभी भी एक म्यूटेंट है। हमें उसे अपनी निगरानी में रखना होगा, कहीं वो लोगों के लिए कोई खतरा ना बन जाए। कब तक हम उसे यहाँ इस हालत में रखेंगे? हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। वो चारों ओर न्यूज पर छाया हुआ है। लोगों को लगता है कि सनी एक सुपर हीरो है जो अपराधियों को सजा देता है। इस बारे में हमें मिस एंजल से कुछ सुझाव लेना होगा, शायद वो कुछ मदद कर सके। अब जबकि ये बात साफ हो चुकी है कि हम सनी की पहचान लोगों से ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा सकते हैं, तो क्यों ना हम उसे सुपर हीरो बना दें? उसे टॉक शोज में भेजते हैं, टीवी पर आने को कहते हैं, उसे अपना स्पोक्स पर्सन बना लेते हैं। मेरे पास मीडिया का तजुर्बा है, आप चाहें तो मैं उसकी एजेंट बन सकती हूँ, और इस तरह से पुलिस पर से लोगों का उठा विश्वास फिर से लौट आएगा। मुझे लगता है एंजल को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ मिस एंजल, और हमें इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। सर, मुझे लगता है ये एक अच्छा आइडिया है। हमें इन दोनों एक्सपर्ट्स को सनी की मदद करने के लिए अपॉइंट करना चाहिए। सर, आप क्या कहते हैं? अभी से तुम दोनों सनी की मदद करोगे और उसकी रक्षा करोगे। तुम हमें ऑर्डर नहीं दे सकते हनी, हम ये काम छोड़ रहे हैं। नहीं, हम दोनों ये काम करने के लिए तैयार हैं। पल्लू रेजर, इसका वार न जाए खाली, ये है हर बाल पे भारी, देखे हर नर और नारी। खत्म इन बालों की सवारी। कट, बहुत बढ़िया। क्या आपको पता है? तो अब सुपर हीरो बनना बहुत ही आसान है, मतलब के इसे खाइए और गैस से छुटकारा पाइए हमेशा हमेशा के लिए। सुपर हीरो बनना मुश्किल है, लेकिन गैस को भगाना अब आसान है। कैसा रहा? बढ़िया किया ना? अच्छा था ना? बहुत अच्छा था। चलो अब चलते दूसरी शूट पर जाना है। अच्छा, जरा ऐसे पकड़ना। लो पकड़ो। अरे सर, नाली इनहेलर पहले शक्कर मिलाइए, हाँ, और फिर अंडा, और जोर जोर से हिलाइए। सनी उठो, शूट पर जाओ, जाओ 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 जाओ, गो 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 गो। क्या चाल है, क्या चाल है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त वॉक है। वेलकम वेलकम, बहुत अच्छे, वो मिली किस आज तो सनी आपको कहना चाह रहे हैं कि उन्हें ये सम्मान पाकर बहुत खुशी हो रही है और ये हमेशा के लिए आपके ट्विन डॉटर सनी रहेंगे। Thank you.
हमें ऑफिसर टोंग को बताना होगा, वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। हाँ, मालूम है मुझे। इसका मतलब तुम जानते थे कि वो सनी को ढूंढने जरूर आएंगे। होशियार हो लेकिन भरोसा रखो। मच्छर भगाओ और सो जाओ मजे से। फसफस फसफस चारों तरफ इसे स्प्रे करो और फिर सब मच्छर गायब सिर्फ 50 रुपए में। बढ़िया पार्टी का इंतजाम किया है। थैंक यू। तुम भी पियोगी? ना, मैं काम के वक्त नहीं पीती। बहुत प्रोफेशनल हो। तो इस नए शहर में तुम्हें कैसा लग रहा है? कुछ खास नहीं। हम यहाँ चैंग जैसे म्यूटेंट्स को पकड़ने आए हैं, लेकिन सनी जैसे म्यूटेंट को मैंने पहली बार देखा है। तुम कहना क्या चाहती हो? कभी कभी लोग कितने तन्हा होते हैं ना, वो जब नाम शौहरत इन सब के पीछे भागते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो जिंदगी में कितने अकेले हैं। यहाँ कितनी शांति है ना? कितना सुंदर है सब कुछ। तुमने कहा था कि हमारा समंदर के किनारे एक घर होगा और हम अपनी जिंदगी शांति से वहां बिताएंगे। हाँ, लेकिन उन म्यूटेंट्स को खत्म करने के बाद। तुम्हें पता है कल एक खास दिन है? तुम मुझे शादी की अंगूठी देने वाले थे। इस बार हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम उनकी कमजोरी ढूंढ निकालेंगे। मैं बहुत ही जल्द ये काम पूरा कर लूंगा। ये म्यूटेंट्स बहुत शक्तिशाली हैं और इस बार हमें मदद की जरूरत होगी। मदद? हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। सनी है ना, उसकी मदद ले सकते हैं। जरा सोचो, वो म्यूटेंट्स को पकड़ने में हमारी कितनी मदद कर सकता है ना? मुझ पर विश्वास नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है, तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। प्लीज सनो, मान जाओ ना, उस दिन तुमने सनी की जान जोखिम में डाली, यहां तक कि पुलिस की मदद भी नहीं ली। तुम्हें नहीं लगता उसमें तुम्हारा स्वार्थ था? स्वार्थी और मैं? ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जब तक मैं अपनी मंजिल नहीं पा लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम समझ नहीं रही हो टाई, ये इतना आसान नहीं है और मैं स्वार्थी नहीं हूं।
तुम थक गई हो? तबीयत खराब है क्या? नहीं तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं एक सुपर हीरो हूं, मुझे कुछ खास नुस्खे पता हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं बुरी हूं? बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि मैं स्वार्थी हूं और मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुम्हारा फायदा उठा रही हूं? तुम तो बहुत प्यारी हो, मेरे सपने जो आज सच हुए हैं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैं भी आज पिताजी की तरह अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता हूं। और ये सब मुमकिन हो सका सिर्फ तुम्हारी वजह से एंजेल। तुम बहुत अच्छी हो। ठीक है, होल्ड दैट पोज, हिलो मत, ओके स्टेडी स्टेडी, हाँ अभी अटैक करो, बहुत अच्छे, और थोड़ा झुक के प्लीज, इस तरफ से झुक के, दैट्स गुड, ग्रेट। ये कुकीज मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है। तो बहुत बड़े स्टार बन गए, तुम्हारे खून के सिवा मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। देखो चैन, मुझे मारने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बचेगी, पुलिस के पास जाओ। चुप रहो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मुझे तुम्हारा खून चाहिए, तुम तो मरोगे ही और एंजल मेरी होगी। एंजल के बारे में सोचना भी मत, समझ गए तुम? जान ले लूंगा तुम्हारी, कभी अपने आप को आईने में गौर से देखो। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें मारना। तुम फिर आ गए? तो तुम मिल ही गई। तूने मेरे पति को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे दिल तक पहुंचने वाली सारी नसों को बंद कर दिया है मैंने। Oh.
मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें अपने साथ लैब लेके जाऊंगा। वैसे भी यहाँ पड़े पड़े तुम करोगी क्या? हम तुम्हें वहाँ विज्ञान का नमूना बनाकर रखेंगे। इसका असर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? चक्कर आ रहा है क्या? सेनहो, भागो वहाँ से। टाई, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। हमारी शादी उसी तारीख को होगी। सेनहो, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। भागो वहाँ से। मैं इससे नहीं जीत सकता। बाहर तो मैंने इसकी धुलाई की थी। इसकी शक्ल तो देखो। टाई, इसके जाने का वक्त आ गया है। Oh!
ये तो और ताकतवर बनता जा रहा है। अरे लड़की मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? समझ नहीं आ रहा है। मैंने आज तक म्यूटेंट को इतनी जल्दी विकसित होते हुए नहीं देखा है। हमारी दवाई का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन एक तो मर गया। बहुत जल्द मैं उन्हें बता दूंगा कि मुझसे उलझना आसान नहीं है। सुनो टाई, अगली बार डोज डबल कर देना। चिंग, चिन, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं चाहती हूँ तुम मुझे टाई कह के पुकारो। ये नाम तुमने मुझे दिया था। टाई, सब ठीक हो जाएगा। अपनी आंखें बंद मत करना। हॉस्पिटल चलते हैं, घबरा मत। उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। मुझे माफ करना, आगे से तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। ऐसा मत करो टाई, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा टाई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक बात याद रखना, किसी भी हालत में अपने आप को मत खोना। तुम इस लड़ाई को नहीं हार सकते। टाई, सेनो, तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझसे वादा करो, तुम हार कभी नहीं मानोगे। ये नजारा कितना सुंदर है, कितनी शांति है यहाँ।
ठाए, वापस आ जाओ ठाए, प्लीज आ जाओ। वापस आ जाओ ठाए। जान बचाने का शुक्रिया। हम सब एक जैसे हैं, हमारी जिंदगी अलग अलग है, अब मेरा यहां कोई काम नहीं, यह सब मेरी गलती है, मेरी ही वजह से। टाई की जान चली गई। मैं समझ सकता हूं, तुम्हारे हर पल को मुझे मशहूर होना था, अपना नाम करना था, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं जानता था कि इसे पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा। तुम भी अपनी जान पे खेले, डॉनी की भी जान चली गई, हम इसका बदला लेंगे। क्या तुम मेरी मदद करोगे? टाई ने मुझसे एक बार कहा था, तुम हमारी मदद कर सकते हो, मैं तुम्हें सारे हुनर सिखाऊंगा। टाई की आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा टाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमने कुछ ज्यादा ही जहरीली गैस अपने शरीर में ले ली थी, मगर नसीब से तुम्हारे शरीर ने बहुत सारे गैस बाहर निकाल दी, इसीलिए तुम में म्यूटेंट के आधे लक्षण हैं। तुम अपनी शक्ति का प्रयोग तभी कर सकते हो जब तुम किसी मुसीबत में हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरह अपने शरीर के शक्ति को केंद्रित करना चाहिए। अपने लक्ष्य को देखो और पार करो। Thank you.
म्यूटेंट्स ने भारी तबाही मचा रखी है। म्यूटेंट्स के इस हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है। म्यूटेंट्स ने बहुत सारे बैंकों को लूट लिया है। पता अगर नहीं, अब म्यूटेंट्स को रोका नहीं गया तो ये पूरे शहर को तबाह कर देंगे। पुलिस को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। एंजल थोड़ा आराम कर लो, तुम दो दिन से सोई नहीं हो। अगर हमें सनी के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। तुम गाड़ी में बैठ सकते हो एंजल। Angel, hi. 莫名突然能遇见，是梦是缘，忘了昨天，那看不透的秒。 चलो चलो, शूट का टाइम हो गया। उठो उठो, जाओ जाओ जाओ, go 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 go。 虚假表情还是心觉自愿，是一遇意，只想一生只得一爱恋，祈求把此心看穿，情路愿能碰见，完全是你可把我改变，期望能与你看星星数雨点。 Hello, Sunny? Angel, मैं हूँ चैंग। मैंने सनी को ऊपर भेज दिया मगर मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। एंजल, तुम कहाँ हो? पता है ना मैं कितना अकेला हूं। अगर मुझे पता चल गया कि मेरे पास वरदान नहीं बल्कि श्राप है, शायद यही मेरी तकदीर में था। मैं बहुत तन्हा हूं। तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एंजल, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूं। तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। एंजल, तुम्हारी जान को खतरा है और तुम्हारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। अगर वो यहां आ भी जाते हैं तो हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। क्या तुम अब भी खतरा उठाना चाहती हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अभी तक तुम्हारे इलाज की कोई दवा नहीं मिली है। अगर मिली भी होती तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि तुम इंसान नहीं शैतान हो और तुमने आज तक सिर्फ बुरे काम किए हैं। अब तुम्हें अपनी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिलेगा, बस तुम अपनी मौत का इंतजार करो। हाँ। एंजल, बताओ मुझे तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास
इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। कल मेरा बर्थडे है, मुझे ब्लू बे बिल्डिंग में मिलना, फ्लैट नंबर 131। जोन ए क्लियर है, टारगेट का कोई पता नहीं। ठीक है सर। टीम बी सब क्लियर है? जी सर। दुश्मन अभी भी हमारी नजरों में नहीं आया है, फिर भी चौकन्ने रहो। जी सर। अपने दुश्मन पर नजर बनाए रखो, वो दिखे तो उस पे गोली चला देना। इज दैट क्लियर? यस सर। दुश्मन आ चुका है। दुश्मन आ चुका है, वो बहुत तेज है, निशाना लगाने में मुश्किल हो रही है। फिर भी कोशिश करते रहो, वो किसी भी कीमत पर हाथ से निकलना नहीं चाहिए, समझे तुम? जी सर। एंजल, म्यूटेंट बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है, तुम प्लान के मुताबिक पिछले दरवाजे से निकल जाओ। तुम्हारा वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कमांडो, उसे वहाँ से बाहर निकालो। चलिए बाहर चलिए जल्दी। रुको, लगता है एक और म्यूटेंट घर के अंदर है। कमांडोस, फायरिंग मत करना। एंजल, जन्मदिन मुबारक हो। इतनी उदास क्यों हो? आज से हम दोनों दोस्त हैं, ये बात सुनकर तुम खुश हो रही हो ना, मैं जानता हूं। सॉरी, मैं एक अच्छा प्रेमी बनूंगा, तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा। प्रेमी? मुझसे प्यार क्यों करते हो? क्योंकि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। पता है सच्चा प्यार क्या होता है? जब दो चाहने वाले एक जैसा सोचे, एक दूसरे के बिना ना रह सके और एक दूसरे का अच्छे बुरे वक्त में साथ दे। प्यार में कुर्बानी देनी पड़ती है और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। चुप रहो। बस तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। मुझे तुम्हारी मौत चाहिए। छोड़ो ये सब, चुपचाप मेरे साथ चलो। फायर मत करना, गोली एंजल को लग सकती है, ध्यान से। सुनी, तुम अब तक मरे नहीं, अब तुम्हारी बारी है। फायरिंग मत करना, फ्लाइंग टाइगर सनी और चैन लड़ रहे हैं।
जॉय तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, मैं तुम्हें उसके पास भेज देता हूँ। से मार दूं फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। ओ सनी, तो तुम लड़ना चाहती हो? तुम्हें जिंदा देखकर मुझे कुछ अजीब सा होता है। वैसे भी ये लड़ाई तो मैं ही जीतने वाला हूं, और इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा शरीर तो बर्बाद हो गया है, अब तो दिमाग से काम लो। मैं मदद कर सकता हूं। मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं इस पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता हूं। मैं इतना शक्तिशाली हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, समझे? तुम बदलोगे नहीं। बकवास बंद करो, तुम तो अपनी जान भी नहीं बचा पाओगे। तुम फ्लाइंग डैगर कैसे बनोगे? आ जाओ मुकाबला करो मुझसे। ये
हमेशा दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। एंजल, एंजल, यहाँ की नहीं होता। नहीं हो सकता। एंजल, तुम रोते ही रहोगे या मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे?
野性不向靠低了自尊，怎么纠缠还是没了没完，如在云端飘飘忽忽捉不到半点，残留思忆的碎片，缘尽就如终点，仍怀念你教给我观念，期望能与你看星星数雨点，看风中朗月细数从前，期望能与你这双意的爱从此热恋。我讨厌天色改变，天色都变酸，我是情未变，期望能再见我心中的昨天，爱不可理喻，有口难言，情怀无蜕变，我始终相信无私奉献，纵使有心思交战，心思给安全。